तो वैसे ही आज हम हमारी ऑरेंज को ब्लैक करने वाले हैं। बात करते करते एक और चीज सामने आ गई जो मुझे 3 दिन से परेशान कर रही है। हमारी बाइक में एक नई चीज अनलॉक हो चुकी है। मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर मिले जिन्होंने बाइक से हमें पहचान लिया। मतलब दोनों सीट के बीच का पार्ट है ये, ऐसे लगता है। हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज का हमारा टॉपिक कुछ अलग होने वाला है। जैसे आप सब लोग टेल टाइडी कर रहे थे, हमने उसको कटवा दिया और अनारकली को चुनवा दिया। बहुत गंदा था ये। तो वैसे ही आज हम हमारी ऑरेंज को ब्लैक करने वाले हैं। ट्रैफिक बहुत ज़्यादा। तो कमिंग बैक टू द टॉपिक, हम हमारी ऑरेंज को ब्लैक करने वाले हैं। अब वो कौन सी चीज़ है, क्या है, देखते रहिए वीडियो में, बने रहे हमारे साथ। और ऐसे ही आप जैसे सारे वीडियो में अपना प्यार और सपोर्ट दिखा रहे हो, प्लीज़ वो कंटिन्यू रखना, उसे बंद मत होने देना। हालांकि हमारे एक सब्सक्राइबर काउंट जितने हैं उससे ज़्यादा हमको व्यूज़ मिल रहे हैं। इसका मतलब दो मतलब होते हैं इसके। एक मतलब ये होता है कि प्यार बहुत मिल रहा है, दूसरा मतलब ये हो रहा है कि लोग देख तो रहे लेकिन सब्सक्राइब बटन नहीं दबा रहे। दबा दो यार, सिर्फ क्लिक तो करना है। टच स्क्रीन मोबाइल बना लिया तुम्हारे लिए, इन्वेंट करवा दिया भाई। वो पता है, वो पहले ऊपर का बटन, लेफ्ट बटन करके सब्सक्राइब करने जाने के बाद टैप करना पड़ता था। अभी तो कुछ नहीं, सिर्फ अंगूठा लेके जाओ और टच। तो जल्दी से सब्सक्राइब करो जो लोगों ने नहीं किया है। अभी तो सिर्फ KTM के टॉपिक चल रहे हैं। अगर आप लोग चाहो, अगर आप लोगों को लगता है कि हमारे व्लॉग्स अच्छे हैं, तो मैं डेली व्लॉग्स में, डे टू डे लाइफ में जो देखो तुम्हारी माँ का, डे टू डे लाइफ में सॉरी जो कुछ भी करता हूँ, अगर आप लोगों को वो जानने में भी दिलचस्पी है तो मैं वो व्लॉग भी बना सकता हूँ। आई हैव नो इशू। बाकी टेरिफिक ट्रैफिक तो हमारे मुंबई में रोज़ की बात है, तो इसका कोई टेंशन नहीं है। तो इसकी आप आदत डाल लो, हमें तो ऑलरेडी है। तो हमारी KTM से रिलेटेड और बहुत सी चीज़ें आने वाली है आगे। इस हफ्ते हम इसका PPF और सिरामिक कोटिंग भी करवाने वाले हैं, तो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट एज वेल। और दूसरी बात, जो लोग टॉप स्पीड कर रहे हैं, मुझे पता है, लेकिन ये देख, बात करते करते एक और चीज़ सामने आ गई जो मुझे 3 दिन से परेशान कर रही है, और वो है ये सर्विस का इंडिकेटर। जबकि हमने सर्विस कर चुके हैं ऑलरेडी, लेकिन ये सर्विस का इंडिकेटर आ रहा है जो एक्चुअली 1000 किलोमीटर के बाद दिखाता है, इसीलिए वो दिखा रहा है। लेकिन सर्विस वालों को ये सर्विस के टाइम पे बंद करना चाहिए था, क्योंकि मेरे सामने वो सर्विस वाले ने इसको 5500 या 6500 पे सेट किया था सेकंड सर्विस। तो ये फर्स्ट सर्विस का इंडिकेटर अभी क्यों आ रहा है, व्हाई? इंडिया वांट्स टू नो। और दूसरी बात कि हमारी बाइक में एक नई चीज अनलॉक हो चुकी है, वो है जैसे कि 1100 किलोमीटर हो गया तो अनलॉक, जो वो चालू गाड़ी में दिखा रहा हूँ, मैं साइड में खड़े रह के दिखाता हूँ। हमारी बाइक में अनलॉक हुआ है शिफ्ट लाइट, जहाँ पे RPM 1 RPM 2, मतलब अभी हम ये सेट कर सकते हैं। तो चलो सिग्नल को हमने यूटिलाइज़ किया कुछ अच्छी चीज़ दिखाने में, आप लोगों की नॉलेज बढ़ाने में। अब यहाँ से छूटते हैं। ओह माय गॉड, लफड़ा, नो लफड़ा होता है, लड़की पीछे बैठती है तो आगे वाला अपने आप गर्म हो जाता है, मतलब गुस्से से। तो चलो ठीक है, हम मुद्दे से हट रहे हैं। एक और बात बतानी थी मुझे आपको। कल जब मैं राइड से आया, मुझे हमारे एक सब्सक्राइबर मिले जिन्होंने बाइक से हमें पहचान लिया। हेलमेट हमने पहना नहीं था तो व्लॉग कर नहीं पाए, लेकिन मैंने उनका एक छोटी सी क्लिप ले ली है। बहुत अच्छा लगा ऐसे अगर आप मिलते हो तो। दिस वॉज माई फर्स्ट फैन मोमेंट, मतलब। तो यूट्यूब चैनल खोलने के बाद रिकग्निशन तो मिले मुझे, लेकिन ऐसा रिकग्निशन मुझे पहली बार मिला है जहाँ पे किसी ने मुझे रुकाया, अच्छे से बातचीत की, अगले प्लान्स पूछे और लास्ट में एक क्यूट सी सेल्फी लेके गए हमारे साथ। सो एक्चुअली मैं बंदे का नाम भूल गया हूँ, उनको मैंने बोला था आप कमेंट कर देना ताकि मुझे याद रहे। सो ऐसे अगर आप मिलते हो मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत अच्छा लगा। आई हैड अ स्माइल ऑन माय फेस फॉर द एंटायर डे, दैट वाज वेरी गुड। सो रियली अप्रिशिएटेड गाइस, थैंक यू फॉर एवरीथिंग गाइस। मतलब मेरे को ये यूट्यूब से पैसा वैसा वो बाद की बात है, उसका अपने को इतना ये नहीं है, लेकिन जो प्यार मिलता है ना, नेक्स्ट लेवल, मजा आता है, वो मजा आता है। तो अब सीधे मिलते हैं आपको ऑरेंज को काली करते हुए। टेक केयर, टाटा, बाय बाय, सी यू ओवर देयर। और ये दोनों को सेम चढ़ा देते, क्योंकि क्या है पता है, धोने के बाद ना ये थ्रेडिंग जो है ना, इसमें से पानी निकल रहा है। हाँ, सिलाई में से पानी निकल रहा है अभी, बिना सिलाई का बनाने है ना। हाँ, अपने को जैसा बुन पहनाते ना वैसे ही। ब्लैक ये ब्लैक, वो FZ वाला ब्लैक दिखा, कौन सा ये, इस पे
दूसरा दिखा कार्बन फाइबर दूसरा 220 पे कौन सा था, ये सेकंड वाला था ना, KTM वाला बता ना फिर, वो जो बिल्ली पे बंजा नहीं लगता है। चल ठीक है ये करवा दे, ये देखते अभी बाइक पे कार्बन फाइबर अच्छा लग रहा है या डॉटेड। ये बहुत बेसिक लग रहा है ना, प्लेन दिखा हुआ ना दिखा, हाँ ये प्लेन लगा दे। सीट लेके गए वो लोग, लेकिन चीज़ क्या पता है, कार्बन फाइबर बहुत ज़्यादा शाइन मार रहा है, तो कार्बन फाइबर लगा हुआ या नहीं लगा हुआ वो मैं थोड़ा दुविधा में हूँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि आगे कार्बन फाइबर लगाऊँ जहाँ पे ऑरेंज था, और जो पीछे ब्लैक साइड का है ना उसको थोड़ा प्लेन ब्लैक कर दूँ, तो देखते हैं रख के कैसे लगता है, नहीं अच्छा लगेगा तो फिर अपन वापस कर देते। तो गाइस मैं सोच रहा था ये नंबर प्लेट हटाते और जितना इतना ब्रैकेट है ना, ये इतने ब्रैकेट का एक्रेलिक शीट लगा के चैनल का नाम लिखते हैं यहाँ पे और नंबर प्लेट को नीचे लगाते, तो आप लोग क्या बोलते हो ये चीज़ के ऊपर मुझे बताओ, तो उसके बाद अपन इस पे काम करते। बाकी ब्लैक सीट लगा रहा हूँ मैं दोनों जगह पे और कार्बन फाइबर का पट्टा दे दूंगा पीछे की सीट पे। तो गाइस बताओ अगर आपको चाहिए कि मैं वो नंबर प्लेट हटा के वहाँ पे एक्रेलिक में अपना चैनल का नाम लिखूं और मड़गाड़ के ऊपर नंबर डाल दूं या नहीं, मतलब वो अच्छा लगेगा नहीं लगेगा आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट अगर आप लोग रिकमेंड करोगे तो फिर सोचेंगे थोड़ा। गाइस जस्ट चेक इट आउट, यहाँ से जो बाइक का लुक लग रहा है ना, इसका जो डिस्प्ले है ना इतना प्यारा है ना, सेक्सी। ये देखो ये जो लुक है ना, एक बार रख के दिखा दो तो मालूम पड़े, आइडिया मिले, जमेगा ना। हाँ ये बहुत प्लेन लग रहा है, नहीं 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 मज़ा नहीं आ रहा, निकाल दो इसको। तो गाइज मैंने वो ब्लैक वाली सीट को हटा दिया क्योंकि मेरे को बहुत ही बेसिक लग रही थी, तो सोच रहा हूँ मैं कि कार्बन फाइबर लगा देते, देखो अगर वो कार्बन फाइबर भी अच्छी नहीं लगी थोड़े दिन यूज़ करेंगे उसके बाद उसको भी हटा देंगे। मैं सोच रहा हूँ वो एम्ब्रॉयडरी वाला थीम करूँ, लेकिन वो एम्ब्रॉयडरी के अंदर फिर पानी जाता है, अच्छा वो एम्ब्रॉयडरी कुछ नहीं करते, कार्बन फाइबर लगाता हूँ उसी को चलाता हूँ और बाद में जब होगा देखा जाएगा, लेकिन मुझे लग रहा है कार्बन फाइबर अच्छी लगेगी। आप लोग देखो सिनेमैटिक जब आएंगे तब लास्ट में और फिर बताना कैसी लग रही है, चलेगा अभी लगा दो, वापस थोड़ी बदलेंगे अपन। अभी अच्छा लगा, हाँ सही है, अच्छा दिखेगा, ये तो अच्छा ही लगेगा भाई, इस पे एक बेल्ट मारना कार्बन के ना, हाँ ना भाई एकदम कट टू कट करना मस्त लगना ही चाहिए कि यही ओरिजिनल सीट है। ये जो मार रहे अपन स्टेपलर, ये अंदर की बॉडी को डैमेज नहीं करता है ना, और जो अंदर ऑरेंज सीट है उसको डैमेज नहीं करता है, पक्का बन गई बॉडी, बन गई उसकी शेप, आ गया शेप आया बराबर। ये एक्स्ट्रा पार्ट पूरा काट रहे हैं ना, बाकी ये लगने के टाइम पे कोई दिक्कत नहीं आएगी ना। ये अपने सीट के पीछे का पार्ट है जो उसमें से डिसमेंटल होता है, मतलब आगे की सीट से, मतलब दोनों सीट के बीच का पार्ट है ये, ऐसे लगता है। सीधा करके दिखा एक बार, ये पीछे का पार्ट हो गया। तो गाइज ये अपनी सीट एकदम परफेक्ट फिट टू फिनिश, अब इसको लगाएंगे, दोनों सीट लगाएंगे, दूसरी सीट अपनी वहाँ पे बन रही है, दोनों सीट लगाएंगे उसके बाद दिखाता हूँ सीधा सिनेमैटिक्स। तो हमारे दोस्त हमारे मित्र सनी चौथानी हेल्प कर रहे हैं हमको सिनेमैटिक लेने के लिए, क्योंकि मैं हमेशा फ़ोन से करता हूँ सिनेमैटिक, लेकिन ही इज़ अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर, तो वो थोड़ा हेल्प कर रहे हैं हमको। तो अभी जो भी सिनेमैटिक आप देखने वाले हो वो सनी का काम रहेगा।